हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जोहो बुक्स में आइटम को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एक एक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। पर मेरे पास मान लो 1000 आइटम है, कैसे मैं इंपोर्ट एक एक लिखूंगा? यदि मैं लिखने लगूंगा तो मेरे को 5 दिन लग जाएंगे। तो दोस्तों कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, ब्राउजर में हमें डैशबोर्ड से, ठीक है, डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आइटम में आना है। आइटम में आने के बाद यहाँ से आपको ये थ्री लाइंस दिख रही होंगी आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इंपोर्ट आइटम करना है। ठीक है, फिर आपको एक सिंपल फाइल डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ से आपकी सिंपल फाइल डाउनलोड हो जाती है तो उसे ओपन कर लीजिए। एक सेकेंड, ये देखिए ये ओपन हो चुकी है, इसे सही कर लीजिए, ये लो। ठीक है, ठीक है, इन देख ये हो गया आपका। और एक चीज और बता देता हूं मैं, 1 मिनट। सो दोस्तों, अब इंपोर्ट कैसे करते हैं? तो इंपोर्ट करने के लिए जैसे हमने फॉर्मेट लिया था, वहां से ले लिया, ये फॉर्मेट है। ठीक है, SKU, ये आपके सामने सारे हैं। ठीक है, उनमें जो डालना चाहो डाल सकते हो। अब मैं बताता हूँ क्या क्या डालना होता है, बहुत लंबी लिस्ट है पर उतना भी जोर नहीं आएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले आइटम नेम डालते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मैंने आइटम की एक लिस्ट बना रखी है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने एक लिस्ट बना रखी है। ठीक है, इसके अंदर स्टॉक आइटम, HSN, इतने इतने ग्राम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके, Ctrl V। ठीक है, यहाँ से पेस्ट कर लिया मैंने। इन तीनों को मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन काट दिया मैंने। SKU मेरे को नहीं पता, मैं नहीं डाल रहा। HSN मेरे पास है, ये HSN मैंने डाल दिया। HSN, INR आपको पता है कितनी है आपकी? यदि पता है तो ठीक है, नहीं 0 कर दो। ठीक है, INR 0। यदि आप फिक्स करते हो प्राइस तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप यहाँ पे प्राइस डाल सकते हो, लेकिन फिक्स नहीं करते तो छोड़ दो। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप, टैक्स नेम, ये कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है। GST फ्री है या टैक्सेबल है तो टैक्सेबल डालो यहाँ पे, टैक्सेबल। ठीक है, टैक्सेबल डाल दिया। इंटरेस्टेड, टैक्स नेम, इंटरेस्टेड। अब देखो, अब आपको नहीं पता ये कैसे डालें, तो दोस्तों मैं आपको देखो तरीका बताता हूँ कैसे इंपोर्ट करते हैं, किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें कैसे करते हैं दोस्तों। एक सेकेंड, ये रहा। जैसे दोस्तों मैंने आइटम खोल लिया, तो उससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आइटम जनरेट करना है। जैसे मैंने आलमंड्स आइटम जनरेट कर लिया था कंसल्टेंसी। फिर आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट, यहाँ पे आना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट आइटम, और यहाँ पे नीचे करके जो भी फॉर्मेट है उसको सारे को एक्सपोर्ट कर लो। तो मैंने एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ये देखो मैं एक्सपोर्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया। अब मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये ओपन कर ली, तो ये देखो आलमंड्स, और ये आइटम था हमारा कंसल्टेंसी चार्जेस, ये HSN आ गया, ये INR आ गया। तो देखो INR का फॉर्मेट कैसा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करो, और जो सैंपल है हमारा जो है ना, जहाँ पे हमें करना है दोस्तों, यहाँ पे, तो यहाँ पे V और Ctrl C। फॉर्मेट ना उसका लो जो जिसका पहले जनरेट कर चुके। ये देखो सेल्स अकाउंट में जाएगा, ये परचेज में जाएगा, है ना, वो चीज डिसाइड यहीं से होगी। ठीक है, इसको आप सेल्स में डालना चाहते हो, कहाँ पे डालना चाहते हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले प्रोडक्शन टाइप मांग रहा है, प्रोडक्शन टाइप ये रहा, तो इसमें गुड्स है ये सारे के सारे, तो यहाँ से इसको गुड्स, ओके, ये इसको मैंने सारे को गुड्स कर दिया। ठीक है, अब दूसरा देखो रेट, कितनी परसेंट आपकी, मान लो GST आपका अलग अलग है ना, इस पे अलग अलग है टैक्स, सॉरी इंटरेस्ट रेट, टैक्स नेम, और ये, तो ये अलग अलग है तो छोड़ दो, इसमें कोई जरूरी नहीं है। टैक्स टाइप परसेंटेज छोड़ दो। यूजेज यूनिट, अब यूनिट पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूनिट दिख रही है, इसमें हमने बनाई थी, ये देखो यूजेज यूनिट। किस में देते हो आप, केजी में देते हो, पैकेट्स में देते हो, अलग अलग देते हो, है ना, तो वो देख लेते हैं। जैसे आप मान लो केजी में देते हैं हम इसको, तो ठीक है यहाँ से केजी में, ओके, यूजेज यूनिट केजी में आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद एग्जेम्पशन रीजन कुछ है, तो यहाँ पे एग्जेम्पशन रीजन देखो हमारे में कुछ डाला था हमने, ओके, कुछ नहीं आ रहा है, आ रहा है कहीं पे नहीं आ रहा ना,
कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसे, ठीक है हटा देते हैं एक बार। इंटरेस्ट रेट टैक्स नेम डालना है आपको तो डाल सकते हो। इंटरेस्ट रेट टैक्स नेम कहाँ था, एक सेकंड मैं इसको रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ, ये इसमें सही पता चल जाए। इंटरेस्ट रेट टैक्स नेम कौन सा रेट है वो डालना चाहो, सबके अलग अलग रेट है आपके पास, तब तो यहाँ पे डाल सकते हो ये रहा इंटरेस्ट रेट टैक्स नेम। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट टैक्स रेट भी डाल सकते हो उसके सामने जो आपके पास रेट है। इंटरेस्ट रेट टैक्स ग्रुप ये हो गया आपका, सॉरी ग्रुप ये हो गया, ठीक है ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ठीक है बस हो गया आपकी स्टेक स्टॉक की लिस्ट तैयार होगी। इसे कंट्रोल एस करो, सेव करो, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है यहाँ पे इम्पोर्ट आ जाओ। इम्पोर्ट में आने के बाद यस, अब यहां से आएगी दिक्कत, चूज फाइल, ठीक है चूज कर लेते हैं हम हमारी फाइल्स को, यहाँ से डाउनलोड में पड़ी थी हमारी फाइल, तो वहां से ये देखो आइटम, ठीक है ये कर ली मैंने। अब ये देखो ये क्या क्या पूछ रहा है, डुप्लीकेट हैंडलिंग, क्या आप डुप्लीकेट भी डालना चाहते हो इसमें, तो या तो स्किप कर दो या ओवरराइट कर दो। ठीक है, कोई डुप्लीकेट है और उसका आपने कुछ करना है तो कर सकते हो, ये छोड़ दो बाकी सारे, ये कोई काम के नहीं है आपको, फिर नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो या तो एरर दिखा देगा ये, ठीक है देखो इसमें क्या बोल रहा है ये, आपके कौन कौन से आइटम तो होने ही चाहिए। एक तो जो ये दिख रहा है रेड कलर में आइटम नेम, ये तो होना ही होना चाहिए, बाकी चाहे आप कुछ डालो चाहे मत डालो आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने नहीं डाला, जैसे मैं दिखाता हूं एक सेकेंड, जैसे मान लो यहाँ पे INR छोड़ दिया आपने, मान लो इसमें डाला ही नहीं, ठीक है नहीं पता यार काट दिया मैंने, है ना ये हटा दिया ऐसे करके, या गुड्स हटा, गुड्स तो डालना पड़ेगा ना, गुड्स तो डालना पड़ेगा, आइटम नेम डाल दोगे, ठीक है फिर क्या करोगे आगे, नेक्स्ट करो। आप इसको सेव भी कर सकते हो नेक्स्ट टाइम के लिए, कभी दोबारा इंपोर्ट करना हो तो कौन सा फॉर्मेट, ये का वही यही होना चाहिए, तो एक बार नेक्स्ट करो तो देखो एरर दिखाता है। हाँ अब देखो इसने क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड स्किप्ड 0, आइटम दैट मे बी इंपोर्टेड पूरे के पूरे हो जाएंगे आपके, अनमैप्ड फील्ड, एक तो एसक्यू नहीं होगा, टेक्स्ट नेम नहीं होगा, टेक्स्ट परसेंटेज नहीं होगा, टेक्स्ट टाइप नहीं होगा, ठीक है और जैसे मैं इंपोर्ट करूंगा तो सारे के सारे आइटम इंपोर्ट हो जाएंगे। देखें चलो देखते हैं, बाद में आप इन्हें एडिट भी कर सकते हो जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई दोस्तों एक एक करके, है ना। तो ये देखो दोस्तों सारे के सारे आइटम्स मेरे क्रिएट हो चुके हैं, ये देखो जैसे मैं आपको पहले डैशबोर्ड में जाता हूँ फिर आपको एक बार वापस से दिखाता हूँ आइटम, और ये देखो आइटम्स, ये सारे के सारे आइटम यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। ये HSN कोड था, ये रेट 0 है, इनकी रेट बाद में डाल सकते हो आप डालना चाहो, ठीक है तो ये आइटम पूरे के पूरे इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, जैसे मैं किसी को खोल के दिखाऊं आपको, ये देखो अफगानी मुनक्का, ठीक है ये देखो KG यूनिट्स, ठीक है ये देखो, अब आपने खोल लिया ना दोस्तों, अब इसमें प्राइस डालनी पड़ेगी, या तो इसे कैंसिल करो या इसमें डाल दो, रेट चेंज कर सकते हो आप, है ना। सेव, ठीक है ओके, ये हो गया प्लीज। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल